चलिए ठीक है, भौतिक राशियों के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं, ठीक ना। ये अप्लाइड फिजिक्स का पहला चैप्टर है, ठीक ना। भौतिक राशियाँ, उनके मापन तथा उनके मात्रक, ठीक ना। ये आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। एक चित्र है लिया गया है, इसमें लिखा गया है भौतिक विज्ञान, फिर मापन इसकी पद्धतियाँ कितनी हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले आप बात करते हैं कि मापन की पद्धतियाँ कितनी हैं, ठीक ना। अलग अलग देशों में अलग अलग इसकी पद्धतियाँ हैं, कसमें जैसे हमारे यहाँ जो प्रचलित मेथड है वो MKS पद्धति है। MKS पद्धति है हमारे यहाँ, कौन सी है? MKS पद्धति है। बहुत से देशों में है, अपने इंग्लैंड में, इंग्लैंड जो देश है वहाँ पर FPS पद्धति है, और जगह CGS पद्धति है, CGS पद्धति है। अलग अलग जगह ये सारी क्या हैं? पद्धतियाँ हैं मेजरमेंट मापने के लिए। तो हम लोग उसको छोड़ करके, जैसे MKS पद्धति का मतलब, M का मतलब मीटर है, किलोग्राम है, समय सेकंड है, ठीक है। या PS का मतलब फुट, पाउंड और सेकंड। ये फुट यानी लंबाई को मापने का मात्रक, फुट, पाउंड द्रव्यमान है, सेकंड समय का मात्रक है। CGS पद्धति का मतलब लंबाई को मापने का सेंटीमीटर है, द्रव्यमान को मापने का ग्राम है, और समय को मापने का सेकंड है। तो ये पद्धतियाँ हैं। इसको छोड़ करके हम लोग सबसे पहले बात करते हैं भौतिक विज्ञान और उसकी मापन पद्धतियों के बारे में, ठीक ना। तो सबसे पहली बात ये है कि भौतिक विज्ञान पढ़ने से पहले आप सब लोगों को विज्ञान पढ़ना होगा, यानी कि सबसे पहली बात ये है कि विज्ञान क्या होता है, इसका ध्यान देंगे सबसे पहली बात। विज्ञान क्या होता है? विज्ञान, तो आइए चलते हैं हम लोग बात करते हैं विज्ञान के बारे में। विज्ञान अर्थात साइंस क्या होता है? कह रहा है किसी भी वस्तु का क्रमबद्ध, सुसंगठित, सुव्यवस्थित तथा वास्तविक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध का मतलब निर्धारित रूल होगा, उसमें कोई ना कोई नियम होगा, उस वस्तु को वहाँ व्यवस्थित करने का कोई ना कोई रूल होगा, कोई ना कोई नियम होगा। अर्थात किसी भी वस्तु का, कोई भी वस्तु इसमें दिखाई दे रही है, किसी भी वस्तु का सुसंगठित, सुव्यवस्थित तथा वास्तविक ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो विज्ञान विज्ञान है, विज्ञान की दो शाखाएँ, शुरू में विज्ञान की दो शाखाएँ बताई गई। नंबर एक बताया गया निर्जीवों का विज्ञान, किसका? निर्जीवों का विज्ञान का मतलब एक ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। जैसे आप एटम्स, परमाणु को ले लीजिए, पंखे को ले लीजिए, ठीक ना, फ्रिज को ले लीजिए, कूलर को लीजिए, जैसे ये माइक्रोफोन को ले लीजिए, ये सारे क्या हैं? निर्जीव हैं। इनके बारे में जब अध्ययन किया जाता है, जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसे कहते हैं निर्जीवों का विज्ञान। इसकी भी बहुत ढेर सारी शाखाएँ आई। उसके बाद नंबर दो था सजीवों का विज्ञान, ठीक ना। सजीवों का विज्ञान मतलब एक ऐसा विज्ञान जिसमें सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाए, जैसे वनस्पति हो गया, पेड़ पौधे, ठीक ना, या मनुष्य, जानवर, ये सब क्या हैं? सजीव हैं। इनका अध्ययन किया जाता है, जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उन्हें कहते हैं सजीवों का विज्ञान। इसकी भी ढेर सारे शाखाएं हैं, जैसे सजीवों में जंतु विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, अर्थात जूलॉजी है, बॉटनी है, इसका अध्ययन किया जाता है। बात समझ आएगा ना। लेकिन हम लोगों को अध्ययन करना है भौतिक विज्ञान, ये आता है निर्जीवों का विज्ञान के अंतर्गत, ठीक है। किसके अंतर्गत? निर्जीवों के विज्ञान के अंतर्गत आता है, जिसमें निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है उसके अंतर्गत आता है निर्जीवों का विज्ञान, ठीक है ना, यानी भौतिक विज्ञान आता है। चलिए बात करते हैं हम लोग भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। निर्जीवों के विज्ञान के भी बहुत ढेर सारे पार्ट हैं, जिसमें एक भाग है भौतिक विज्ञान। क्या भाग है भाई? भौतिक विज्ञान। तो चलते हैं बात करते हैं भौतिक विज्ञान क्या होता है। भौतिक विज्ञान क्या होता है? कह रहा है कि एक ऐसा विज्ञान जिसमें ऊर्जा,
और द्रव्य, ऊर्जा और द्रव्य। मेरी बात एक बात और ध्यान सुनो आप, ऊर्जा से ही पूरा ब्रह्मांड निर्मित है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड में केवल ऊर्जाएं ही हैं, और उन्हीं ऊर्जाओं के बारे में अध्ययन करने के लिए जिस विज्ञान का निर्माण हुआ उसे कहते हैं भौतिक विज्ञान। फिर से समझ लो आप, ऊर्जाओं का अध्ययन या द्रव्यों का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत आया उसे कहा गया भौतिक विज्ञान, अर्थात विज्ञान की यह वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊर्जा तथा द्रव्यों का अध्ययन किया जाता है, इसे कहते हैं भौतिक विज्ञान। लेकिन बात यह आ गई कि इतने ढेर सारे ऊर्जाएं द्रव्य हैं जिनका अध्ययन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए उनको एक कैटेगरी में बांटा गया, उनको राशियों के रूप में बांटा गया, ताकि इन राशियों के रूप में रहेगा ताकि उसको अध्ययन करने में क्या रहे, आसानी रहे। जब अध्ययन करने में आसानी रहेगा, राशियों के रूप में रहेगा, तो उनमें यह बात आई कि कुछ राशियों को मेन मेन राशि मान लिया गया, उसे कहा गया मूल राशि। क्या कहा गया? मूल राशि। अन्य मूल राशियाँ क्या होती हैं, ठीक ना? अन्य वे राशियाँ जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग में आती हैं या जिनका मापक स्वतंत्र होता है उन्हें कहते हैं मूल राशियाँ, और यह मूल राशियाँ कुल 7 होती हैं। मूल राशियाँ कुल कितनी होती हैं? 7 होती हैं, ठीक ना? अर्थात मूल राशियाँ, मूल राशियाँ, और एक चीज़ और ध्यान दो आप, मूल राशियाँ, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए एक मात्रक की जरूरत होती है जिन्हें क्या कहा जाता है, व्युत्पन्न, सॉरी मूल मात्रक। क्या कहा जाता है? मूल मात्रक। अर्थात मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए एक मानक मान लिया जाता है, और उस मानक को ही क्या कहा जाता है? मूल मात्रक कहा जाता है। और यह मूल मात्रक कुल कितने होते हैं? 7। कितने होते हैं? 7। जो ये चित्र में दिखाया गया है, जैसे मूल राशियाँ लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है, और पदार्थ की मात्रा, यह कुल मिलाकर मूल राशियाँ कुल कितनी होती हैं? 7। क्लियर, बात समझ आ गया? चलिए आगे हम लोग बात करते हैं मूल मात्रक क्या होता है। मूल राशियों के बाद आता है मूल मात्रक। क्या होता है? मूल मात्रक, ठीक है? मूल मात्रक समझ में आ गया। मूल राशियों के व्यक्त करने के लिए जिन मात्रक का यह मानक मान लेते हैं उनको क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियाँ ये हैं, लंबाई, ठीक ना, और इनको व्यक्त करने के लिए, ठीक ना, जो मानक, जैसे इसमें लंबाई है, और इस लंबाई का, जैसे ये लंबाई है, ये मूल राशि है, ये क्या है? मूल राशि है। लंबाई है, मूल राशि है। द्रव्यमान है, मूल राशि है। समय है, मूल राशि है। ताप है, मूल राशि है। विद्युत धारा है, मूल राशि है। ज्योति तीव्रता है, मूल राशि है, ठीक ना। पदार्थ की मात्रा, ये मूल राशि है। इन ये मूल राशि है, लेकिन ये जो मात्रक है, लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। इसे कहते हैं मूल मात्रक। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मूल मात्रक। क्या कहते हैं? मूल मात्रक। इसको कहते हैं मूल मात्रक। अर्थात लंबाई का मात्रक है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, ताप का मात्रक केल्विन। ताप का मात्रक केल्विन भी होता है, ठीक ना, सेल्सियस भी होता है, इसमें दिमाग में रखना, सेल्सियस भी होता है, ठीक ना, सेल्सियस भी होता है, लेकिन वर्तमान समय में केल्विन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसी को यूज किया जाता है इस समय, वर्तमान समय में, ठीक ना। सेल्सियस भी होता है, फारेनहाइट भी होता है, ठीक ना, लेकिन ये मूल मूल मात्रक में आता है, ठीक ना। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? मोल होता है, ठीक है, बात समझेंगे। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, इन मूल राशियों के अलावा कुछ पूरक राशियाँ भी होती हैं, ठीक ना, इन मूल राशियों के अलावा कुछ पूरक राशियाँ भी होती हैं, जैसे इन मूल राशियों के अलावा कुछ पूरक राशियाँ भी होती हैं, ठीक ना, जैसे पूरक राशियाँ में, पूरक राशियाँ ये दो ही होती हैं केवल। पूरक राशियाँ कितनी होती हैं? दो होती हैं, ठीक है, पूरक राशियाँ कितनी होती हैं? दो होती हैं। पूरक राशियाँ
और इनका मात्रक भी होगा, तो पूरक मात्रक भी होगा, ठीक ना, पूरक मात्रक, ठीक ना। पूरक राशियां जो होता है, नंबर एक होती है कोण, कोण कोण होता है, इसका मात्रक होता है रेडियन, इसका मात्रक क्या होता है रेडियन, कोण का मात्रक क्या होता है रेडियन। और नंबर दो होता है ठोसी कोण, ठोसीय कोण, इसका मात्रक होता है इस्टेरेडियन, 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 इस्टेरेडियन। तो सबसे पहली बात जानते हैं कोण क्या होता है, कोण किसे कहते हैं, ठीक ना। तो कोण क्या होता है, मेरी बात ध्यान समझना, कह दो रेखाओं की झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। दो रेखाओं की झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, कोण। इसका मात्रक क्या होता है रेडियन। लेकिन ये ठोसी कोण क्या होता है, ठोसी कोण, आप तरबूज देखे हो, तरबूज, जब तरबूज आप देखोगे तो इस तरह का आकार होगा त्रिभुज का। अब उससे कहो थोड़ा चिखाओ हमको, हम देखें कैसा स्वाद है इसका। तो क्या काम करता है कि वो इस तरह से काट देता है और इसको निकाल लेता है। तो आप देखोगे स्फेरिकल होगा और उसमें से ये काट कर क्या कर रहा है, निकाल लिया है। यह बीच में इसके केंद्र पर एक कोण बनेगा, क्या बनेगा, एक कोण बनेगा, और इस कोण को कहते हैं ठोसी कोण।